नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं आपके साथ संजू सिंह। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां मंगलवार को देर शाम अचानक होंडा शोरूम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के नेकपुर पुल के निकट होंडा शोरूम में देर शाम मंगलवार को तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से धुआं निकलते मौके पर भीड़ लग गई। पड़ोस के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती मरीज में भी हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें काफ़ी दूर से दिखाई दे रही थी। एजेंसी मालिक व कर्मचारियों ने धूल आदि डालकर आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद एक घंटे की देरी दमकल मौके पर आ गई। कई चौकी इंचार्ज व TI देवेश कुमार मौके पर आ गए। दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग काफ़ी भीषण थी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीच बरेली इटावा हाईवे पर जाम लग गया। वहीं आग तीसरी मंजिल पर लगी होने के चलते कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन पड़ोस में मौजूद अस्पताल में कुछ मरीज को तुरंत शिफ्ट कर दिया गया। मेला रामनगर के 5-4 घाटे में लगी हुई थी, जो 5:17 में हमको सूचना फायर स्टेशन से मेला कुतवाली 5-4 घाट से सूचना मिली कि होंडा मोटरसाइकिल शोरूम में आग लगी हुई है। नेकपुर पुल के नीचे आप तत्काल रवाना हो जाएगी। इतने में सुनते ही मैं तुरंत मूवमेंट किया और आपके सामने खड़ा हूँ। पीड़ितों का शिकायत है कि बहुत देर से पहुंची आपकी फायर। 1.5 घंटे लेट पहुंची फायर। 1.5 घंटे लेट हम तो नहीं कह सकते। मेरी जो है काम मेला 5-4 घाट से आई है, 5:17 पे सूचना मिली है, जो 5:40 अब हो रहा है। मेला को देखते हुए 15 मिनट में गाड़ी आई, भीड़ थी मेले में। आपका अग्निशमन कार्य हो रहा है और क्या लग रहा है किस वजह से आग लगी थी? कारण क्या पता लगा? कारण तो अभी तो काम में लगे हैं, कारण तो पूछ ही नहीं पाए मेला मालिक शोरूम मालिक से क्या कारण है, तो बाद में जानकारी होगी। पहले कार को क्या मानक के आधार पे था कि कुछ पैसा था? मानक का आधार तो ये बाद में चेक किया जाएगा कि क्या मानक इनके अधूरे थे फायर सर्विस की तरफ से या पूरे थे, क्या कारण था, क्या कमी रही, पूरी घटना घटी। इनके पास जो फायर सर्विस के होते हैं उपकरण वो थे कि गाड़ी भी हमको नहीं है, थे तो नहीं थे हमको ऐसा भी सुना। क्या नाम है सर? हमारा चल प्रकाश नाम है। SSO नहीं, SC चालक हूँ। SC चालक हेड कांस्टेबल चालक चल प्रकाश। ये एक जो है SCP प्रभारी है, ऊपर लगे हुए हैं। ऊपर लगे हुए हैं प्रभारी और वही समय बारिश थी। भैया कैसे आग लगी एजेंसी पे? मैं इस समय पजल्ड हूँ, आपका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। महसूस जो हो रहा है वो ये है कि शायद हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, क्योंकि आगे अंदर इन्वर्टर वगैरह जो है सौर ऊर्जा का इन्वर्टर वगैरह वो सिस्टम में था, तो उम्मीद करते हैं कि शायद इसी कारण ऐसा कुछ हुआ हो। क्या सामान रखा था इसमें गोदाम में? स्पेयर पार्ट्स था हमारा। कितने का नुकसान हुआ होगा भाई? अब ये तो कंप्यूटर ही हमारा बता पाएगा, क्योंकि होता क्या है ना सर, इन्वेंट्री तो कई और जगह भी है, कितने ऊपर गए स्टॉक में है, ये मोटा मोटा 30-35 लाख की उम्मीद करते हैं नुकसान। बताया जा रहा है काफी गाड़ी काफी लेट आई है। काफी लेट आई है, मुझे बहुत बड़ी शिकायत है इस पर का बात में अग्निशमन से। क्या लगता है कि यहाँ से हमको अगर ये 1 घंटे पहले आ गई होती तो शायद हम अपने कुछ नुकसान को बचा सकते थे। 1 घंटे लेट आई है गाड़ी? 1.5 घंटे लेट, बल्कि जो यहाँ सूचना दी गई है और सूचना देने के बाद 1.5 घंटे से 1.5-2 घंटे बाद चढ़ गया भाई।